80% मखाना यही मिथिलांचल में होता है 80%, और उस 80% में ये छिले 6 जिले जो हैं इसमें 90% मखाना होता है। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत मखाना का वर्ल्ड ब्रांडिंग किया जाएगा, और वर्ल्ड ब्रांडिंग करने के साथ साथ अब आप लोग आने वाले समय में कर लेना, आप नौकरी के लिए नहीं जाओगे, आप नौकरी लेने वाले नहीं होगे, आप नौकरी देने वाले बनोगे। इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए मधुबनी पेंटिंग, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो पेंटिंग बनाता है उससे औने पौने दाम में खरीदा जाता है और बड़े दाम में बेचा जाता है? क्या यह सच्चाई नहीं है? अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको उचित दाम भी मिलेगा और मधुबनी पेंटिंग का वर्ल्ड ब्रांडिंग किया जाएगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी आत्मनिर्भर भारत के तहत होने वाला है। मछली पालन, अरे मिथिला तो जाना गया है मखान पान मछली, इसी के लिए तो जाना गया मांस मखान पान। तो मछली उत्पादन के लिए बताइए मोदी जी ने विशेष ध्यान के लिए कार्यक्रम बनाया है कि नहीं बनाया है? अब बिहार में मछली बाहर से नहीं लाई जाएगी, बिहार देश को मछली सप्लाई करेगा, दुनिया को मछली सप्लाई करेगा, इस तरीके की परिस्थिति।